राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आतंक का पर्याय बन चुके डकैत केशव गुर्जर को धौलपुर पुलिस ने सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर के बाड़ी क्षेत्र के डांग एरिया में सोना का गुर्जा में पुलिस और डकैत के बीच कई घंटों तक मुठभेड़ चली। पुलिस की गोली उसके पैर में जाकर लगी, जिसके बाद उसे धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डकैत केशव गुर्जर की गिरफ्तारी के बाद एसपी ने बताया कि गोली लगने के बाद डकैत ने पुलिस वालों से क्या कहा था। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डकैत केशव गुर्जर के गोली लगने के बाद उसने जो पुलिस वालों से कहा था उसकी पूरी कहानी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे उसकी एक गलती से वह पकड़ा गया। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। फिरौती और रंगदारी के लिए लोगों को डराने धमकाने वाला डकैत केशव गुर्जर डरपोक निकला। पुलिस की घेराबंदी तो देखा तो वह भागने लगा और बचने के लिए उसने सबसे पहले पुलिस पर अपनी बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी। आखिर के दौर में जब पुलिस की गोली डकैत को लगी तब वह डर गया। उसे लगा कि अब उसका एनकाउंटर हो जाएगा। जैसे ही पुलिस को अपने पास आते देखा तो टीम के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा कि मुझे जान से मत मारना। मुठभेड़ के बाद डकैत को धौलपुर के जिला अस्पताल लाया गया जहाँ उसका इन दिनों इलाज चल रहा है। यहाँ 3 लेयर सिक्योरिटी तैनात की गई है। अभी ट्रामा वार्ड में भर्ती किया गया था, इसके बाद उसे सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की गोली डकैत के 2 हड्डियों को तोड़ते हुए पैर में ही फंस चुकी है और काफी देर तक वह दर्द के मारे तड़प रहा था। हालांकि डॉक्टर्स ने इलाज शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि मंगलवार तक हालात सही होने पर ऑपरेशन कर गोली को निकाला जाएगा। गौरतलब है कि डकैत सोहन बाबा के मंदिर के पास छिपा हुआ था। सूत्रों की माने तो डकैत केशव गुर्जर अपने भाई शीशराम और नरेश से ज्यादा मध्य प्रदेश के इनामी बदमाश बंटी पंडित पर भरोसा करता था। पुलिस से हुई ज्यादातर मुठभेड़ में बंटी पंडित ही हर बार केशव गुर्जर को बचाकर अपने साथ मध्य प्रदेश की ओर ले जाता था। इस बार भी यही फिराक में था कि वह बचकर बंटी के पास चला जाए। पुलिस ने उससे पहले ही उसे पकड़ लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंदिर के पास जब पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की तो तीनों बदमाश केशव, शीशराम और बंटी ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए वन विभाग के नाके में कूद गए। इसी दौरान बदमाशों की 2 गोली सब इंस्पेक्टर अनिल गौतम और सब इंस्पेक्टर हीरा लाल की बुलेट प्रूफ जैकेट में जाकर लग गई। इस दौरान एसपी धर्मेंद्र सिंह ने वन विभाग के नाके में छुपे डकैत केशव गुर्जर को सरेंडर करने के लिए कहा तो डकैत केशव ने एसपी पर गोली चला दी। वह गोली एसपी की बुलेट प्रूफ जैकेट में जाकर लगी। इसके जवाब में एसपी ने डकैत के पैर में गोली मार दी। पुलिस के लिए सिरदर्द बना डकैत केशव गुर्जर आखिर 10 साल बाद सोमवार को पकड़ा गया। 11 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में धौलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खैर, आप डकैत केशव गुर्जर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।